लेवल अप ग्लिच, लाइक ग्लिच, बीआर रैंक पुश 10x डिवाइस ग्लिच और इतना ही नहीं बीआर रैंक पुश 100% वर्किंग ट्रिक जिनको यूज करके आप लोग इजीली ग्रैंड मास्टर चले जाओगे। और उसके लिए आपको वीडियो की किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। अदरवाइज कुछ बंदे कमेंट में कूल बनने के लिए कमेंट करते कि भाई ग्लिच वर्क नहीं कर रहा है। ऑल राइट गाइज, आज का वीडियो रैंक पुशर्स के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज रैंक पुशर्स के लिए 3 ऐसे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ना, जिसको देखने के बाद आप लोग का ग्रैंड मास्टर तो 100% डन है, लेकिन 80% आप लोग का ग्रैंड मास्टर रीजन टॉप 100 भी कन्फर्म्ड है अगर आप लोग वाली टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो। ये बात है। एंड जो 3 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ ना, उनको देखने के बाद तो आपका रिएक्शन कुछ ये होगा। अरे ये 3 टॉपिक को देखने के बाद तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। हमारा टॉपिक नंबर 1 होने वाला है रैंक पुश के रिलेटेड बीआर रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स। टॉपिक नंबर 2 हमारा होने वाला है ग्लिच के रिलेटेड, कुछ ऐसे ग्लिच जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 100% वो ग्लिच बताने वाला हूँ। एंड हमारा टॉपिक नंबर 3 होने वाला है वेपन ग्लोरी लीडरबोर्ड के रिलेटेड, आप लोग कैसे अपनी कंट्री में टॉप 1 पे आ सकते हो। एंड हमारा टॉपिक नंबर 3 कवर करने से पहले मैं आपको लेवल अप के रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि इंडिया के काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स अभी अपना लेवल अप करने के लिए कर रहे हैं। आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 बीआर रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोग जब भी गेम को स्टार्ट करते हो एंड लॉबी आता है, लॉबी में आपको अच्छे से देख लेना है कि आपका लॉबी हार्ड आया, नॉर्मल आया या बॉट आया। अगर आप लोग का लॉबी हार्ड आया तो आपको एक ऐसी जगह पे लैंड करना है अपनी स्क्वाड के साथ जहां पर आपकी स्क्वाड की कंप्लीट लूट हो सके। अगर आप लोग का नॉर्मल लॉबी आया तो आप लोग डुओ बना के लैंड कर सकते हो प्लेसेस पे। एंड अगर आप लोग का बॉट लॉबी है तो आप लोग सोलो में लैंड कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डुओ में ही लैंड करो, क्योंकि कई बार आपका स्क्वाड सोलो सोलो में मर जाता है, बट अगर आप लोग डुओ में खेलोगे तो आप लोग का एक डुओ बैकअप ले सकता है अगर आप लोग का एक डुओ एलिमिनेट हो गया है। एंड मैंने मेनी टाइम्स इसको ऑब्जर्व किया है कि जब स्क्वाड में बॉट लॉबी आता है तो आपका स्क्वाड सोलो में अलग अलग प्लेसेस पे लैंडिंग करके पूरा एलिमिनेट हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका एक भी टीममेट एलिमिनेट हो गया अगर बॉट लॉबी आया, तो आपको तीनों ही टीममेट को बैकफुट लेना है अगर आप लोग अलग अलग प्लेसेस पे हो। हाँ, अगर आप लोग एक ही प्लेस पे हो तो आप लोग अपने टीममेट के पास टोकन शेयर करके अपने 4 टीममेट को रिवाइव कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग को फाइट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपकी स्क्वाड का ऑलरेडी टीममेट नंबर 1 एलिमिनेट हो गया है एंड टीममेट नंबर 2 क्या पता फाइट ले रहा हो एंड टीममेट नंबर 3 निकलने का ट्राई करे लेकिन उसको कोई स्क्वाड फाइट करके मार दे। एंड इसीलिए आप तीनों ही टीममेट्स को बैकफुट ले लेना है। ऐसा नहीं कि टीममेट नंबर 4 के पास टोकन है तो आप लोग इजीली फाइट करो, या आपके सामने एकदम नूब बंदा है, बॉट बंदा है, आप लोग सोचो पहले इसको किल कर देता हूं देन मैं रिवाइव करूंगा। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। कई टाइम्स क्या होता है, बॉट भी हेडशॉट मार देते हैं, भले वो लोग तुक्का मारते हैं लेकिन हेडशॉट लग जाता है। एंड बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि एक बॉट को मारने के चक्कर में पूरा स्क्वाड आ जाता है एंड आपका पूरा स्क्वाड एलिमिनेट हो जाता है। एंड ऐसी सिचुएशन में ना आपके माइनस होने के चांसेस 90% अपग्रेड हो जाते हैं। तो आप लोग जब भी आपका एक टीममेट मर जाए तो आपको फाइट को अवॉइड करना है एंड फर्स्टली आपको अपने टीममेट को रिवाइव करना है। एंड आप लोग जब भी लॉन्ग रेंज में एनिमी को डैमेज करते हो तो आप लोग को मिनी लॉन्च पैड का यूज करना है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में किया। आप लोग देख सकते हो मैंने सामने वाले एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज किया एंड मैंने मिनी लॉन्च पैड का कितना अच्छा यूज किया है। एंड यहां पर आप लोग के पास जितने भी वॉल्स है ना, वो फाइट करते वक्त वो लगा देने। मैंने बहुत बंदों को ऑब्जर्व किया कि भाई वॉल्स को बचा करके रखते हैं, फाइट करते वक्त उनको अप्लाई नहीं करते हैं एंड एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज अगर आप लोग एलिमिनेट हो जाते हो ना तो वो वॉल्स एनिमी के काम आएंगे, आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको वॉल्स को फुली अप्लाई करना है जब आप लोग एनिमी से फाइट कर रहे हैं। एंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग खुद प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज आई नो कि आप लोग को पता होगा आपको कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करना अच्छा लगता है एंड कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी का आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। एंड आप लोग लो डाउट बॉनफायर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप लोग जब भी फाइट करते हो शॉर्ट रेंज में तो बॉनफायर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड उसका एग्जांपल आपको अभी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड भाई बहुत से बंदे क्या गलती करते हैं कि रैंक मैच में ड्रॉप चार्ज नहीं करते हैं। जो चार्जिंग वाला ड्रॉप होता है उसको आपको हमेशा चार्ज करना है, बिकॉज भाई उससे हॉर्जोन मिलता है। अगर आप लोग का हार्ट लॉबी है तो आप लोग सेल्फ रिवाइव हो सकते हो एंड बॉट लॉबी में तो आप लोग 100% रिवाइव हो जाओगे, क्योंकि बॉट सिर्फ डाउन करता है, क्लियर नहीं करता है। एंड आप लोग को एयर ड्रॉप से मिनी लॉन्च पैड मिलते हैं, उनका आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। भाई मुझे पता है कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग को वेपन कौन से यूज करने हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चिप वाली वेपन्स को यूज करो, बिकॉज ये अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड जो रिसेंट का ओबी अपडेट था ना, उसमें एक दुकान ऐड हुई है जिसको काफी लोग एयरसेनल भी बोलते हैं एंड काफी सारे दुकान भी बोलते हैं। अगर आप लोग के पास ज्यादा टोकन है
तो आप लोग उस शॉप को ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आपको गेम में भी मिल जाती है जिसको एयरसनल की बोलते हैं। आपको एयरसनल हमेशा ओपन करना है बिकॉज वहाँ से आप लोग को 4 लेवल की वेस्ट सुपर मेडिकेट्स मिलती हैं एंड 3 लेवल की मैक्स वेपन्स मिलती हैं। एंड भाई तुम लोग जब भी शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज फाइट करते हो ना तो ईजिली एनमी के हाथों मर जाते हो, एंड वो पता है क्यों? तुम लोग सबसे बड़ी गलती करते हो, क्लोज रेंज के लिए सुपर मेडिकेट कलेक्ट नहीं करते हो। आप लोग वेल्डिंग मशीन से एयरसनल की से ईजिली सुपर मेडिकेट कलेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आप लोग टोकन वेस्ट नहीं करना चाहते हो ना तो भाई एयर ड्रॉप में सुपर मेडिकेट होता है, आप लोग उनका यूज करो। जब क्लोज रेंज में फाइट करते हो एंड एनमी आप लोग के ऊपर रश कर रहा होता है चाहे नहीं कर रहा होता है तो आप लोग को सुपर मेडिकेट का यूज करना है, बिकॉज आप लोग का हेल्थ फुल रहेगा तो आप लोग एनमी को ईजिली एलिमिनेट कर पाओगे। एंड भाई लोग आपके टीममेट के पास 800 टोकन जरूर से होने चाहिए, सभी टीममेट्स के पास 800 टोकन होने चाहिए, एंड आपको थर्ड जोन तक लैंडिंग से थर्ड जोन तक आप लोग को किल्स निकाल लेने, अदरवाइज थर्ड जोन के बाद आप लोग को एक सेफ कवर ले लेना है, परमानेंट कवर जिसको बोलते हैं, जैसे किसी हाउस के ऊपर चले गए या फिर आप लोग टावर के ऊपर जा सकते हो जो कि जोन के अंदर हो। एंड आप लोग को थर्ड जोन के बाद फाइट अवॉइड करना है, आप लोग अगर साथ में हो तो फाइट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोग अकेले अकेले हो तो आपको फाइट को अवॉइड करना है। एंड मैं तो आपको प्रीफेयर करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि भाई थर्ड जोन के बाद चारों एक साथ आ जाओ, आपको मरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से बंदे क्या सोचते हैं कि हमारे पास टोकन है तो हम लोग लास्ट जोन में रिवाइव कर देंगे, लेकिन लास्ट जोन में आप लोग को लूट नहीं मिलेगी, इसीलिए थर्ड जोन आने के बाद आपकी पूरी स्क्वाड को एक परमानेंट कवर में चले जाना है ताकि आप लोग पास फुल लूट हो एंड आप लोग इजीली मैच को बोया कर लो। एंड अगर आप लोग मैच को बोया कर देते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा। एंड लास्ट जोन में बोया करने के लिए आप लोग की टीम में जितने भी गोला बारूद है यानी कि ग्रेनेड्स हैं, फ्लैश बैंक है, स्मोक है, आपको सब अप्लाई कर देना है, लेकिन आप लोग को ग्रेनेड कुक करके फेंकना है ताकि आपके अगेंस्ट वाले एनमी को पता ना चले कि आपने ग्रेनेड कुक किया है, एंड आप लोग इजीली उसको डैमेज कर दो। एंड लास्ट जोन में अगर वो सेफ के आउटसाइड जाएगा तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज आपको किल मिल जाएगा। एंड अब हम लोग बात करने वाले टॉपिक नंबर 2 के बारे में। लाइक्स ग्लिच मैंने कल की वीडियो में रिवील कर दिया था जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेवल अप ग्लिच मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। एंड हमारा 10x डिवाइस ग्लिच जिससे आप लोग BR रैंक पुश कर सकते हो इजीली सिर्फ 20 मिनट में 200 से 300 प्लस कर सकते हो, वो भी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे रिवील कर दिया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अब हम लोग कवर करने वाले टॉपिक नंबर 3 वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड में आप लोग सिर्फ अपने स्टेट में नहीं कंट्री में टॉप 1 पे कैसे आ सकते हो। एंड भाई अगर आप लोग अपने स्टेट या कंट्री में रीजन में आ जाते हो ना तो आप लोग को ये एनिमेशन वाला टाइटल मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा एपिक लगता है, एंड इसको आप लोग फ्री में क्लेम कर सकते हो, बस आप लोग उसके लिए वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड में आना है। एंड उसका भी मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिया हूँ, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। बट ऑलरेडी अपने 2 पार्ट में जो मैंने आपको टिप्स शेयर करी है वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के रिलेटेड वो थोड़ा कम वर्क करती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रिसेंटली मेरे हाथ एक ऐसा ग्लिच लगा है जिसको यूज करके आप लोग बहुत ज़्यादा ईजिली मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग ईजिली सिर्फ गेम खेलो, दिन के 10-5 गेम भी खेलोगे ना तो आप लोग कंट्री में टॉप 1 पे आ सकते हो। आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितने सारे टाइटल हैं, वो वाला ग्लिच मेरे हाथ लगा है, वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। एंड भाई उसको आप टिप्स कह लो या ग्लिच कह लो, उसको यूज़ करके ना आप लोग 100% भाई वेपन ग्लोरी के लीडर बोर्ड में आ जाओगे, एंड उस बारे में मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग इस वीडियो में 50 लाइक का एम कंप्लीट कर देते हो तो वो ग्लिच मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूंगा। जस्ट जोकिंग यार, आप लोग के लिए ग्लिच मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूंगा, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक टॉपिक को कवर करने में।